वाह माशाल्लाह, इन खूबसूरत सी आंखों को देखो जरा, इन झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है। काफी अरसे बाद आपने मेरी आंखों के बारे में कुछ कहा है। बाला, जब से मेरे गाजी बाबा बीमार हुए हैं, मेरी आंखें तो अंधी हो गईं, लेकिन अब वोट खड़े हुए हैं और जिहाद का हुक्म देते हैं। नई जिंदगी मिली है बाला मुझे, नई जिंदगी मिली है। सिर्फ तुम्हारी आंखें ही नहीं, इनका क्या, इन हसीन जुल्फों का क्या, किस कदर हसीन है। इनका हर खम एक जहान है, जी चाहता है इनमें खो जाने का। उस्मान, मैं औलाद के लिए दुआ कर रही हूं। किसी और खातून से नहीं, बल्कि अपनी औलाद के लिए। मुझे उम्मीद है बाला, और मैं दुआ भी करता हूं। मेरा वारिस तुम्हारे नाम से मंसूब होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे तुम्हारी तरह आला जर्फ हों। मैं उन्हें काइयों की तरह बहादुर और दिलेर और तुम्हारे जैसा साफ दिल देखना चाहता हूं। बाला, चलो अल्लाह से दुआ करते हैं। वो जो हर चीज पे कादिर है, उसी से इल्तिजा करते हैं। अंदर आ सकती हूं उस्मान साहब? तारगुन खातून, खैरियत तो है तारगुन खातून? दुनिया से दायमी जिंदगी की तरफ बुला रहा है, जहां मेरे हलीमा तेरे जवार रहमत में है। मुझे भी वो जन्नत नसीब फरमा। मुझे अपने शहीद भाइयों, मेरे बाबा सुलेमान शाह और मेरी मां हायमा खातून से मिला दे। मैं अपना कबीला तेरे सुपुर्द करता हूं। तू इसकी हिफाजत फरमा, तू गफूर रहीम है। मैं ये कहने आई थी कि दरअसल बात यह है, आपने मेरे बाबा के लिए जो किया, उसी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। मैं आपका एहसान नहीं भूल सकती।
मुझे बस यही कहना था। तारगुन खातून, पहले बचा तो ले उन्हें, उसके बाद ही आपका शुक्रिया कहना ठीक रहेगा। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। मैंने जल्दी कर दी लेकिन बहुत देर भी हो गई। यानी बहुत देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए। शब खैर। ठीक है, शब खैर। शब खैर। ऐ मेरे काई कबीले, ऐ मेरे मुबारक खेमे, ऐ मेरे आबाओ अजदाद, मेरे बाबा सुलेमान शाह, ऐ मेरी माँ हायमा खातून, ऐ मेरी हलीमा, मेरी गजाली आंखों वाली हलीमा, ऐ मेरे भाई गुंदूदो भाईजान संगूरतेकिन, ऐ मेरे भाई तुंदार, ऐ सिलजान खातून जो मेरे बच्चों की माँ की तरह है, ऐ मेरे बहादुर जंगजू तुर्गुत बामसी अब्दुल रहमान दोआन, ऐ मेरे बेटो गुंदूज साउची उस्मान, ऐ मेरे प्यारे लोगो, मुझ पर अपने हुकूक हलाल कर दो। ऐ मेरे रब, मुझे अपने बाबा से मिला, मेरी इस बीमारी को मेरे बेटों और उनकी औलादों से दूर रख। इनके जहन में काई हैं, इनकी औलाद है और कल होने वाली जंग है। अब्दुल रहमान गाजी, ये बताओ मुझे, क्या इन जैसा सरदार दोबारा कभी आएगा? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, मेरे सरदार जैसा कोई नहीं हो सकता। लेकिन मेरे भाई, अंदर क्या कर रहे हैं वो? उनकी आवाज भी नहीं आ रही। या फिर मेरे भाई, मैं ठीक हूं, फिक्र न करो। हुजूर, कल जब उस्मान निकोला पर घात तकाकर हमला करेगा तो दुश्मन के पास भी जरूर कोई खेल होगा। फलात्यूस को वो मुतबादिल के तौर पर रखेगा। आप फिक्र ना करें हुजूर, हमने तमाम इख्तमाद कर लिए हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो। फलात्यूस अगर हमले के लिए कहीं छुपा हुआ हो तो साउची और गुंदूस अकब से हमला करके उससे निपटेंगे। आप
बिल्कुल फिक्र ना करें हुजूर, आप हम पर एतमाद रखें। अपनी आंखें खुली रख लो। अल्लाह के हुक्म से हुजूर। ठीक है हुजूर। हुजूर, आपको आराम करना चाहिए, थोड़ा आराम कर लें। तुम्हें भी आराम करना चाहिए। जो हुक्म हुजूर, जैसे आप चाहें। जैसे आप चाहें हुजूर। अब्दुल रहमान, अल्लाह तुम्हें उम्र दराज अता करे। मैंने क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया, मैं ये नहीं सह सकती, नहीं सह सकती मैं आपको किसी और के साथ नहीं बांट सकती। बाला, तुम उन्हें वारिस नहीं दे सकती, लेकिन मैं दूंगी। तुम देखोगी, मैं उन्हें तुमसे छीन लूंगी, ये तुम देखोगी, तुम देखोगी। ये कोई जुर्म नहीं, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, उनको चाहना कोई जुर्म नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। ये उस्मान साहब। खैर तो है अब्दुल रहमान गाजी? सब खैरियत अल्लाह का शुक्र है। मेरे ख्याल से आप जंग पर जा रहे हैं, लेकिन अर्तुरुल साहब ऐसा नहीं चाहते। ये क्या कह रहे हैं अब्दुर्रहमान गाजी? क्या बाबा नहीं चाहते? उस्मान,
मैंने ये मंसूबा सोचा और मेरे भाई जंग पे चले गए हैं और वो कहते हैं कि रुक जाओ। मैं उस्मान साहब, मेरे बगैर वो लोग क्या करेंगे? आप जानते हैं अर्तुरुल साहब के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। हुजूर ने हुक्म दिया और मैंने आप तक पहुंचा दिया। वो मुझसे क्या चाहते हैं बताया उन्होंने? मेरे उस्मान, अर्तुरुल साहब आपका हलीमा खातून की कब्र पर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है अब्दुल रहमान गाजी। ठीक है उस्मान। माशाल्लाह, हम सारे इंसान मिट्टी के बने हुए हैं। और ये मिट्टी हमें ऐसे खत्म करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि उस्मान का खात्मा हमसे थोड़ा पहले हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो निकोला? कभी कभी इंसान अपने आप से ही उकता जाता है इनाल साहब, जैसा कि आज मैं एक कोमान तुर्क बन गया हूं। हम तैयार हैं निकोला। देख फुर निकोला, ऐसा है, मुझे लगता है कि मेरा मुजस्मा ही मुझ जैसा हो सकता है और वो मुजस्मा सिर्फ मुझसे बनेगा। ये मत भूलना कि तुम मेरी नुमाइंदगी कर रहे हो। ये तुम क्यों कर रहे हो? क्या इरादे हैं तुम्हारे? इनाल साहब, मैं इस वक्त इतना पुरजोश हूं कि खुद को ही काबू नहीं कर पा रहा। जानते हो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी बेटी आज किसे मेरे पास लेकर आएगी? उस्मान। नहीं, ये नामुमकिन है। मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी। जितनी मोहब्बत तुम्हें अपनी औलाद से है, उम्मीद है उसे भी होगी इनाल साहब। और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम और तुम्हारी बेटी जान से जाएंगे। उस्मान साहब, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लगता है उस्मान की रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता आसपास ही है। सब अपनी जगह पर चले जाओ। आज मैं आपका बदला ले लूंगा बाबा।
जंग का मैदान थोड़ा ही दूर है भाईजन। आज बड़ा दिन है साउची। अल्लाह ने चाहा तो आज इन काफिरों का सारा हिसाब कर देंगे मेरे भाई। इंशाल्लाह भाईजन, इंशाल्लाह। चले अब यहां से पैदल चलते हैं। सिपाहियों, हम मौत की तरह खामोश रहेंगे। मेरी हलीमा, मेरे दिल का नूर, वक्त आ गया है। हमारी दूरियां खत्म होने वाली हैं। एक हिरन तुम्हें मेरे पास लाया था और एक फरिश्ता तुम्हें ले गया। अब वो फरिश्ता हमें दोबारा मिलाएगा। मेरी प्यारी हलीमा, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, आ रहा हूं हलीमा। मेरे आतिशदान की आग, मेरी जिंदगी, जन्नत के बागात में हम शाना बशाना चलेंगे। हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे हलीमा। अब तमाम दर्द खत्म होने वाले हैं। हमें हमारे सब्र का बदला यकीनन मिलेगा। तुम्हारे साथ जिंदगी कितनी खुशगवार थी हलीमा। हमारा दायमी सफर अब शुरू होगा। देखो कौन आ रहा है। हमारा उस्मान, वो परेशान लग रहा है। वो अंदर से अपने बाबा से खुश नहीं है। वो कहता है मुझे जंग से दूर क्यों रखा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब बात सुनो,
मत भूलना कि निकोला के पहुंचने से पहले हमें उन्हें खत्म करना होगा। समझ गया जनाब। चलो इन्हें देखते हैं। हमारे बाबा सही थे मेरे भाई, निकोला तक पहुंचने से पहले उन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया है। हाँ, ये सब झाड़ियों में छुपे हुए हैं। हमारी मुहिम मुबारक हो भाईजान। बिल्कुल। गीदड़ों के दिल में पहुंच गए हैं। देखो वो खड़ा काफिर निकोला। उसे देखकर तो आपका दिल खुश हो गया होगा। जंग की बात होती है तो बामसी सब जवान हो जाते हैं। तुम अभी इन्हें नहीं जानते गुप्तुक। मेरे बच्चों, हम लोग अचानक उन पर हमला करेंगे। इनाल साहब, तुर्कों को कहना कि जंग में जाल बिछाना बहुत आम होता है, लेकिन जंग सिर्फ वो जीतता है जो जाल के अंदर जाल बिछाता है। हमला करो। सावची साहब और गुंदोज साहब, हाँ।
हम फंस चुके हैं, हमला करो, हमला। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। Oh!